हेलो चिल्ड्रन, आई एम बैक विद द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर द ड्रैगन रॉ. चिल्ड्रन, इन द सेकेंड पार्ट वी सॉ दैट हाउ फैमिलीज टोल्ड डिफरेंट स्टोरीज अबाउट द ड्रैगन टू देयर चिल्ड्रन. उन्होंने अलग अलग स्टोरीज उन्होंने बताई अपने बच्चे को. बट द वेरी कॉमन थिंग वॉज इन दोज स्टोरीज, क्या थी वो एक कॉमन सी चीज़, दैट दे ऑल सेड दैट दिस ड्रैगन बिकम्स अलाइव वेन एवर एनी प्रॉब्लम्स अकर्स इन द विलेज. कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो ड्रैगन है वो जिंदा हो जाता है एंड फाइनली इट सेव्स एवरीबडीज लाइफ इन द होल विलेज. वो सारे गाँव को बचाता है और हर किसी की लाइफ को बचा लेता है. नाउ विल सी वॉट हैपन्स. द डे वेंट बाय स्लोली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विदाउट एनी रेन. सो चिल्ड्रेन, वी नो दैट दिस एरिया इज़ वेरी हॉट एंड देर इज़ नो रेन एट ऑल कमिंग. कोई रेन, कोई बारिश नहीं हो रही है. सो ग्रेजुअली द डेज पास, धीरे धीरे सारे दिन गुजरते जाते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हैपन्स देयर इज़ नो रेन कम्स. कोई भी बारिश नहीं होती है, काफ़ी दिन हो जाते हैं और वहाँ पर सूखा पड़ने लगता है. द वेल्स वर इज स्टार्टिंग टू ब्रिंग अप मडी ब्राउन वाटर एंड द फ्लावर्स ड्रूप देयर ब्यूटिफुल हेड्स. And because of paucity of water or the lack of water, क्या होता है, जो wells होते हैं, जो कुएँ होते हैं, they are drying, they are turning into brown muddy water. वो जो पानी है well का, वो brown यानी भूरे रंग का पानी हो जा रहा है, यानी पानी ख़त्म हो जा रहा है, उसमें सिर्फ कीचड़ बच रहा, mud बच रहा है. And the flowers are falling their heads because of the नो वाटर. बिकॉज ऑफ नो वाटर वो जो फूल हैं वो अपने फूल सारे गिरे जा रहे हैं, अपने ब्यूटीफुल हेड्स को गिराए दे रहे हैं. जो खूबसूरत उसके फूल हैं वो गिरे जा रहे हैं. द वेली टर्न ब्राउन एंड ड्राइज एंड थर्स्टियर एवरी हॉट बेकिंग डे. एंड द होल वेली इज़ टर्निंग ब्राउनर, मतलब वो ऑलरेडी ब्राउन थी और ज़्यादा ब्राउन हो रही. इट मीन्स इट इज़ टर्निंग टू ब्राउन and it is getting so drier and becoming thirstier. यानी बहुत ज़्यादा उसमें पानी कितनी कमी हो रही है. the people who live there becoming so thirsty, वो प्यास, मतलब उन्हें बहुत वो प्यासे मरे जा रहे हैं, उन्हें बहुत पानी की कमी लग रही है. and the day is turning, the day is becoming so hot and it seems that the day is being baked by the sun. ऐसा लग रहा है कि जो day है वो रोस्ट हुआ जा रहा, भुना जा रहा है. वो बहुत ही ज़्यादा गर्म, डे बाय डे गर्म होता जा रहा है. इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है एंड वहाँ पर कोई बारिश नहीं हो रही है. द टाउन फोक ब्रू वरीड, दे वुड लुक अपवर्ड्स सर्चिंग फॉर रेन क्लाउड्स इनटू द ब्लू क्लियर स्काई, बट नन एवर केम. एंड द टाउन फोक क्या है, जो टाउन्स फोक मीन्स द पीपल हु लिव इन द टाउन, जो वहाँ पर रहते हैं, उस नगर में रहते हैं. वहाँ पर क्या हो रहा है, दे आर सो वरीड, देयर नो प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग. वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं. दे आर लुकिंग एट द स्काई, होपिंग दैट रेन मे हैपन, हो सकता है बारिश हो जाए. एंड बट Whenever they look at the sky, there was no cloud at all. The clear sky is all around in that valley. वहाँ पर उस वैली में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल खुला आसमान था, कोई बादल नहीं थी एंड कोई बारिश फिर नहीं आई वहाँ पर. It was now too hot for the children to play out in the direct sun and so that would they would gather under the shade of the trees. अब now because of the increasing because of the increasing heat, the children are not able to play outside on the dragon rock. जो dragon rock है उस पर वो खेल नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर जा नहीं पा रहा है, बिकॉज अदरवाइज दे हैव टू फेस डायरेक्ट सन. उनके ऊपर डायरेक्ट सन पड़ रही है, धूप पड़ रही है, सो वो धूप में खेलने भी नहीं जा पा रहे. अब वो क्या करते हैं, व्हाट डू दे कलेक्ट अंडर द शेड एंड देयर दे प्ले.
वहाँ पर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इकट्ठा होते हैं और फिर वहाँ पर वो खेलते हैं. द ड्रैगन विल हेल्प अस सून, सेड वन चाइल्ड. अब व्हेन दे आर प्लेइंग अंडर ट्रीज, सो देयर वन ऑफ द चाइल्ड सेज दैट यू ऑल डोंट वरी, सून द ड्रैगन विल कम एंड हेल्प अस. वो कहते हैं, एक बच्चा कहता है कि तुम लोग परेशान मत हो, बहुत ही जल्दी यह ड्रैगन आएगा हमें बचाने के लिए. ही मस्ट डू समथिंग, अग्रीड अनदर. सो एक उस बच्चे को सुनकर दी अदर बॉय सेज दैट येस यू आर राइट, आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ. ही विल श्योरली डू समथिंग और दी अदर टू हेल्प अस आउट, वो हमारी मदद करने के लिए और कुछ ना कुछ करने के लिए ज़रूर आएगा. आई एम श्योर ही विल, दे ऑल नॉडेड इन अग्रीमेंट. नाउ आई एम श्योर मतलब सारे बच्चों ने चिल्ला करके कहा येस, तुम लोग सही कह रहे हो. और एक साथ उन्होंने अग्रीमेंट करा. नॉट इन अग्रीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में हामी भरना. सो दे ऑल से द सेम लाइन दैट येस आर ड्रैगन विल डेफिनेटली कम टू सेव दिस टाउन, वो हमारे टाउन को बचाने के लिए पक्का ज़रूर आएगा. अंडर द शेड ऑफ द ट्री, ओके दीज लाइन्स आर डन. A week went by with no change. Some were getting cross the dragon and would cast angry sideways look at it when passing. Meanwhile, the children had a plan. अब क्या होता है, after the children talked about this that the dragon will come, उसके बाद क्या होता है, और week बहुत सारे a week एक हफ्ता और बीत जाता है. One more वीक पासिस बट देर इज़ नो चेंज कम्स इन द वेदर, वेदर में कोई बदलाव नहीं आता है और एक हफ्ता बीत जाता है ऐसे ही. नाउ द टाउन पीपल, जो टाउन्स फोक हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर नाउ बिकमिंग सो एंग्री टूवर्ड एंग्री एट द ड्रैगन, वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं. सो वेन एवर दे पास बाय द ड्रैगन, जब भी ड्रैगन के बगल से निकलते हैं, दे गिव एन एंग्री साइड लुक एट इट, वो उस पर ड्रैगन की तरफ तिरछी निगाह से गुस्से में देखते हैं. मीनवाइल द चिल्ड्रन हैड अ प्लान. अब बिकॉज सी फोक टाउन्स जो है दे आर नॉट दिस मच कनेक्टेड टू द ड्रैगन रॉक जितना कि वो बच्चे कनेक्टेड, बिकॉज बच्चों का तो फेवरेट स्पॉट है खेलने का. तो बच्चे क्या करते हैं इन सब चीज़ों को देख करके, वो क्या करते हैं, दे मेक अ प्लान, उनको एक वो एक प्लान बनाते हैं. मीन वाइल का मतलब है बीच में या कुछ समय के बीच में वो लोग एक प्लान बनाते हैं. और प्लान क्या होता है, क्विकली एंड क्वाइटली दे मूव इनविजिबली अराउंड टाउन पिकिंग एंड प्लकिंग एट द फेडिंग फ्लावर्स विद बुकेज अप टू देयर चिन्स. दे रश्ड ओवर टू वेयर द जाइंट रॉक ले एज स्टिल एज एवर. अब वो लोग क्या करते हैं, वेरी साइलेंटली एंड वेरी स्विफ्टली दे मूव अराउंड द टाउन. दे मूव अराउंड मतलब पूरे टाउन में वो घूम करके आते हैं और बहुत ही चुपके से जाते हैं, बहुत ही जल्दी से जाते हैं. एंड दे आर नॉट विजिबल व्हेन दे आर मूविंग अराउंड द टाउन, जब वो पूरे टाउन में घूम रहे हैं तो वो दिख नहीं रहे, इतनी तेज़ी से वो घूम रहे हैं कि वो इनविजिबल लग रहे हैं. इट मीन्स उन्होंने अपना जो काम उन्होंने डिसाइड किया था, उन्होंने इतना फास्ट किया कि ऐसा लगा कि वो लोग इनविजिबल होके अपना काम वो करके चले गए. अब काम क्या कर रहे हैं, दे स्टार्ट पिकिंग एंड प्लकिंग एट द फेडिंग फ्लावर्स. सो वेर एवर द फ्लावर्स आर फॉलन ऑन द फ्लोर, जहाँ जहाँ पर फेडेड फ्लावर्स, जहाँ पर सूखे सूखे फ्लावर्स उनको पूरे टाउन में जहाँ जहाँ पर बिखरे हुए पड़े मिले, दे ऑल कलेक्टेड द फ्लावर्स एंड मेक द बुके. उन्होंने बुके बनाया एंड दे पुट द बुके टू देयर चिन्स, वो अपनी ठुड्डी के पास उस बुके को रखते हैं. एंड दे रश्ड ओवर टू वेयर द जाइंट रॉक ले एज स्टिल एज एवर. एंड दे गो टू द रॉक, जायंट रॉक, और वो उस रॉक के, उस बड़ी सी रॉक के पास जाते हैं जो कि एक ड्रैगन जैसा दिखता है. उस रॉक के पास जाते हैं
रश का मतलब होता है बहुत जल्दी से उस रॉक के पास जाते हैं, हैविंग द बुकेज विद देम, और फिर वो क्या करते हैं, विल सी. द बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लेस्ड बंचेज ऑफ फ्लावर्स अराउंड द ड्रैगन इन अ बिग सर्कल. अब वो क्या करते हैं, राइट नाउ चिल्ड्रन इफ यू सी चिल्ड्रन हैव दिस मच सेंस दैट हाउ टू मेक द ड्रैगन हैप्पी. वो इतना उनको पता है कि कैसे उस ड्रैगन को खुश किया जा सकता है, तो अपने चाइल्डिश वे में, इन देयर चाइल्डिश वे, दे आर मेकिंग द ड्रैगन, द रॉक ड्रैगन हैप्पी, कोशिश कर रहे हैं उसको खुश करने की. सो वॉट डू दे डू, दे मूव अराउंड द टाउन, दे कलेक्ट द फ्लावर्स, फेडेड फ्लावर्स, एंड देन दे मेक बुके आउट ऑफ देम, एंड देन दे कम विद द बुकेज एंड कीप ऑल द फ्लावर्स इन अ सर्किल अराउंड द जायंट ड्रैगन. और जो ड्रैगन होता है उसके पूरे इर्द गिर्द सर्किल में वो सारे फ्लावर्स रख देते हैं. बंचेज ऑफ फ्लावर्स का मतलब है जो गुच्छा है फूलों का वो सजा कर रख देते हैं. दे स्कैटर्ड पेटल्स अराउंड इट्स हेड एंड ओवर इट्स नोज, देन डांस अराउंड एंड अराउंड इट, स्किपिंग एंड चैंटिंग द राइम दैट दे ऑल न्यू सो वेल. अब वो क्या करते हैं, आफ्टर कीपिंग द फ्लावर्स इन अ बिग सर्किल, दे स्टार्ट स्कैटरिंग, स्प्रेडिंग ऑल द पेटल्स अराउंड द ड्रैगन्स हेड. उसके जो ड्रैगन का हेड है उसके चारों ओर पत्तियाँ फैला, फूलों की पत्तियाँ, पेटल्स मतलब फूलों की पत्तियाँ फैला देते हैं. एंड दे कीप सम पेटल्स ऑन ड्रैगन्स नोज, उसकी नोज के ऊपर भी कुछ पत्तियाँ फूलों की रख देते हैं. एंड देन वॉट डू दे डू, दे स्टार्ट डांसिंग अराउंड हिम, उसके इर्द गिर्द उसके चारों तरफ नाचने लगते हैं. दे स्टार्ट स्किपिंग एंड स्टार्ट चैंटिंग द राइम, वही पोम पढ़ना शुरू करते हैं जो उनके फैमिली उन्हें सिखाती है या फिर उन्हें सुनाती है, जो उनको बहुत अच्छे से आती है. सो चैंट का मतलब होता है किसी चीज़ का जाप करना. तो एक तरीके से जो ड्रैगन है चिल्ड्रन उनके लिए क्या है, उन बच्चों के लिए क्या है, एक भगवान है. तो भगवान को खुश करने के लिए द वे वी चैंट मंत्राज, हम मंत्र पढ़ते हैं, तो ऐसे ही दो चिल्ड्रन स्टार्ट चैंटिंग द पोम विच इज़ टोल्ड बाय देयर फैमिलीज. उनकी जो फैमिलीज ने उनको एक पोम बताई है चार लाइनों की, वो उसको बोलना और जपना शुरू कर देते हैं. फिर क्या होता है, नाउ आई जस्ट, सो वो पोम लाइन्स क्या थी, In times of trouble, the dragon will wake and save the village by making a lake. अब वो बच्चे बार बार ड्रैगन के इर्द गिर्द घूम करके यही पोम गाते हैं. In times of trouble, the dragon will wake and save the village by making a lake. Right, children? So, now I'm going to ask you some questions. I hope that you have understood all the lines properly. Now you can answer these questions too. So, my first question is to you today. That what is the main problem of this town? इस नगर की क्या main problem है इस time की? What is the problem they all are facing? Question number 2. Yes. What do the children talk to each other about dragon? What do the children talk about dragon to each other? Yeah, what do the children talk to each other? What do the children talk about to each other about dragon? Dragon के बारे में आपस में क्या बात करते हैं? Question number 3. That why do the people become angry to or at the dragon? जो dragon के ऊपर लोग गुस्सा क्यों करना शुरू कर देते हैं? Why do the people become angry at the dragon? Question number 4. What plan do the children make? Question number 5. That what do they do moving around the town? What do the children do moving around the town? वो पूरे town में घूम कर करके क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? And the last question is,
that which rhyme do the children chant around the dragon? What rhyme do the children chant around the dragon? Dragon के इर्द गिर्द वो कौन सी rhyme, कौन सी कविता गा रहे हैं, किस कविता का जाप कर रहे हैं? So children, these 6 questions you need to answer, and again any doubt left, please get your doubts cleared as soon as possible whenever you watch the video, right? Children, saying this, I would say thank you. Bye-bye.